हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम ईवीएस का 14 चैप्टर, जिसका नाम है इनसाइड द किचन, इसके हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि आपको हमारे नए नए वीडियोस मिले। एंड इस वीडियो से पहले मैंने बाकी चैप्टर्स आपको दे दिए, अगर आप नहीं देखो तो देख लो। एंड इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में मैंने एक लिंक दिया है, उस पर आप क्लिक करोगे तो आपको हमारे सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। ओके, तो देखो मैंने आपके लिए लिख के रखा है, आप पेंसिल और बुक के लेके बैठे और फटाफट लिख लो। देखो यहाँ पे पहला ए क्या है आपको, व्हाट्स द सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, इसका सॉल्यूशन क्या है वो आपको बताना है, इसका समाधान क्या है। पहला क्या है देखो, द स्मोक फ्रॉम द कोल स्टोव ब्लैकेंस द किचन वॉल्स। मतलब बच्चों, जो धुआं निकलता है कोयले का जो चूल्हा है उससे, उसकी वजह से किचन की जो दीवार है वो काली पड़ गई है। ठीक है, तो इसको कैसे करना है। ठीक, देखो क्या है, इंस्टेड ऑफ यूजिंग कोल स्टोव वी विल आस्क द एल्डर्स टू गेट द स्टोव दैट वर्क्स ऑन कुकिंग गैस। मतलब बच्चों कि जो कोयले का जो चूल्हा है उसके इस्तेमाल करने की बजाय हम क्या बोलेंगे, अपने पेरेंट्स से बोलेंगे, अपने मम्मी डैडी से बोलेंगे कि ऐसा एक चूल्हा लाओ जो गैस से चलता हो। ठीक है, तो उससे धुआं नहीं निकलेगा ना, तब दीवार काली नहीं पड़ेगी किचन की। आगे क्या है देखो, वी कैन गिव वाइट वॉश टू द वॉल्स विच आर ब्लैकेंड। और हम क्या कर सकते हैं बच्चों, जो किचन की जो दीवार काली पड़ चुकी है उसको हम धुल के वापस साफ़ कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम गैस वाला चूल्हा ये इस्तेमाल करेंगे, तब दीवार काली नहीं पड़ेगी। ओके, चलो अभी आगे देखते हैं, आगे क्या दिया है यहाँ पे। देखो आपको बी में क्या दिया हुआ है, बी में है आपको थिंक एंड टेल। मतलब क्या बच्चों, सोचो और बताओ क्या है पहला। पहला क्या देखो आपको, विच मेथड्स ऑफ हीटिंग इज यूज फॉर प्रिपेयरिंग द फॉलोइंग डिशेस। मतलब बच्चों कि खाने बनाने का कौन सा तरीका इस्तेमाल किया जाता है इन सब जो खाने की चीज़ें हैं इनको बनाने के लिए, कौन सा तरीका इस्तेमाल होता है देखते हैं। पहला देखो आपको ढोकला, फिर है आपको दाल, फिर है करंजी, फिर है थाली पीत, फिर है आपका बासुंदी, फिर करी। तो देखो पहला ढोकला है, ढोकला को कैसे बनाते हैं, स्टीमिंग से, मतलब भाप से बनाते हैं। दाल, दाल कैसे बनती है, बॉइलिंग मतलब उबालने से। फिर करंजी कैसे है, फ्राइंग, मतलब बच्चों भून के वैसे करते हैं, फ्राई करके। थाली पीत कैसे बनती है बच्चों, देखो फ्राइंग इन लिटिल ऑयल, मतलब बच्चों थाली पीत को क्या करते हैं, फ्राई करते हैं थोड़े से तेल में। आगे देखो आपको क्या है, बासुंदी, बासुंदी कैसे बनती है बच्चों, देखो क्या है, बॉइलिंग द मिल्क फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड स्टिरिंग इट। कैसे बनती है बच्चों बासुंदी, क्या करते हैं कि जो दूध है उसको बहुत टाइम तक उबालते हैं और उसको ऐसे चलाते रहते हैं करछी से। ठीक है, लास्ट पे देखो करी, करी कैसे बनती है, बॉइलिंग मतलब उबाल के बनती है। ओके, देखो आपको सेकंड क्या है, मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द डिशेस दैट कैन बी मेड फ्रॉम मिल्क। मतलब बच्चों कौन कौन सी खाने की चीज़ें हैं जो दूध से बनाई जा सकती हैं वो आपको बताना है। तो देखो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, देखो कर्ड्स, बटर मिल्क, चीज़, पनीर, बर्फ़ी, खीर, खोया, श्रीखंड, मिल्क शेक, रबड़ी, ये सब है बच्चों। ये देखो यहाँ पे रबड़ी की स्पेलिंग गलत है, मैं आप सही कर देता हूँ। अब तो देखो ये है रबड़ी। ठीक है, तो ये सब अलग अलग जो दूध से खाने का जो सामान, खाने की चीज़ें बनती है उनके नाम है। ओके, चलो अभी आगे देखते हैं, आगे आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पे। देखो आपको थर्ड में क्या है, थर्ड में देखो आपको क्या दिया हुआ है, थर्ड आपको नेम द डिशेज मेड बाई मेड यूजिंग हरबरा। मतलब बच्चों आपको ऐसे खाने का जो खाने की चीज़ें हैं बतानी है जो हरभरा से बनती है। ठीक है, तो क्या आंसर क्या है, द डिशेज मेड फ्रॉम हरभरा आर पूरनपोली, अम्बेडल एक्सेट्रा। तो देखो बच्चों मतलब कि जो ये हरभरा से जो खाने का सामान बनता है वो है पूरनपोली, अम्बेडल। ठीक है, आगे देखो क्या है, द फ्लोर ऑफ दिस इज कॉल्ड ग्राम फ्लोर विच इज़ यूज फॉर मेकिंग वेराइटी ऑफ स्पाइसी फूड स्टफ्स सच एस भजिया, फरसन, ढोकला, फाफड़ा, बटाटा वड़ा। क्या बोला है बच्चों, जो हरभरा है इसके आटे को हम क्या बोलते हैं, ग्राम फ्लोर। ठीक है, और इससे जो खाने का जो सामान बनता है, तीखे तीखे कुछ खाने के सामान बनते हैं जिनके नाम है भजिया, फरसन, ढोकला, फाफड़ा, बटाटा वड़ा, ये नाम है। ठीक है, फोर्थ क्या है, मेक अ लिस्ट ऑफ वेजिटेबल्स दैट आर ईटन विदाउट कुकिंग देम। मतलब बच्चों आपको ऐसे सब्जियों के नाम बताने हैं जिसको हम बिना पकाए हुए खाते हैं। तो देखो आंसर में क्या है, कुकुम्बर, टोमेटो, कैरेट, रेडिश, सलाद लीव्स, बीट, कैबेज, स्प्रिंग ऑनियंस, प्लेन ऑनियंस, चिलीज एक्सेट्रा कैन बी ईटन विदाउट कुकिंग। तो देखो ये बच्चों अलग अलग है, जो जैसे जो हम बिना, जो सब्जी बिना पकाए खाते हैं वो है क्या है, देखो खीरा हो गया बच्चों, फिर टमाटर, गाजर, रेडिश, और देखो जो सलाद का पत्ता होता है वो, फिर हो गया पत्ता गोभी, फिर
फिर प्याज हो गई, हम सलाद में सब में डाल के खाते हैं, फिर मिर्ची हो गई, ये भी हम कच्ची खाते हैं सलाद या चटनी में डाल के बिना पकाए, ठीक है। तो ये सब अलग अलग चीज़ें हैं जिसको हम बिना पकाए खाते हैं, ओके। चलो भी आगे देखते हैं आगे क्या है। यहाँ पे देखो आपको सी में क्या है, आपको एंसर इन ब्रीफ। देखो बच्चों क्या है यहाँ पे, फर्स्ट आपको व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ हीटिंग फूड स्टफ्स व्हेन प्रिपेयरिंग देम फॉर ईटिंग, मतलब बच्चों जो भी खाने की चीज़ें हैं उसको पकाने का क्या फ़ायदा होता है, जब हम उसे खाने के लिए तैयार करते हैं तो पकाने में उस क्या फ़ायदा होता है वो आपको बताना है। आंसर में क्या है देखो, व्हेन फूड स्टफ्स आर हीटेड दे आर कुक्ड, मतलब बच्चों जब हम खाने की जो भी चीज़ें हैं जब वो गर्म होती है तो क्या वो पक जाती हैं, ठीक है। द कुक्ड फूड स्टफ्स सॉफ्टेंस एंड बिकम्स टेस्टी एंड ईजी टू डाइजेस्ट, और फिर क्या होता है बच्चों जो पका हुआ खाना है वो सॉफ्ट हो जाता है और बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट हो जाता है और हमारे पेट में उसको पचाने में आसानी होती है। द मेथड्स ऑफ फ्राइंग रोस्टिंग और स्टीमिंग मेक अ फूड टेस्टी, मतलब बच्चों कि जो तरीका है फ्राई करने का या भूनने का या तो भाप से पकाने का खाने को, इससे क्या होता है खाना बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बन जाता है। दीज आर दी एडवांटेजेस ऑफ हीटिंग फूड स्टफ्स व्हेन प्रिपेयरिंग देम फॉर ईटिंग, मतलब बच्चों ये सब फ़ायदा है जब हम खाने को जब खाने के लिए हम जो हमारा खाने की चीज़ें रहती हैं जब हम उसे खाने के लिए तैयार करते हैं तो उसे पकाने जब पका लेते हैं तो ये सब हमें फ़ायदे होते हैं उससे, ठीक है। सेकंड में देखो क्या है, सेकंड आपका हाउ डज द यूज़ ऑफ फायरवुड हार्म द एनवायरनमेंट, मतलब बच्चों कि जो लकड़ी है जो लकड़ी जलाकर हम खाना बनाते हैं उससे हमारे पर्यावरण को नुकसान कैसे पहुंचता है वो आपको बताना है। तो आंसर क्या है देखो, बर्निंग फायरवुड इज़ ट्रबलसम, मतलब बच्चों जो लकड़ी है उसको जलाना एक ही बहुत ही मुसीबत का काम है। इट ऑल्सो गिव आउट लॉट्स ऑफ स्मोक विच इज़ हार्मफुल फॉर हेल्थ, और वो क्या करता है उससे देखो लकड़ी जलाएंगे उससे बहुत सारा धुआं निकलता है जो हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। आगे देखो क्या है, ट्रीज आर चॉप डाउन टू ऑब्टेन द फायरवुड, और हम इसके लिए पेड़ को काटते हैं ताकि लकड़ी हमें मिले लकड़ी जलाने के लिए। ऑल दिस कॉज हार्म टू द एनवायरमेंट व्हेन फायरवुड इज यूज, तो देखो बच्चों ये सब क्या बोला यहाँ पे, ये सब की वजह से हम जो लकड़ी जलाकर खाना बनाते हैं वो पर्यावरण को नुकसान पहुँचाता है। पहले देखो सबसे बड़ी बात है कि हम लकड़ी पाने के लिए पेड़ को काटते हैं जो बहुत ही गलत बात है, ठीक है बच्चों। तो ये सब है जिसकी वजह से हमें लकड़ी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए खाना पकाने के लिए, ओके। आगे चलो आगे देखते हैं, अभी आगे क्या है आपको यहाँ पे देखो थर्ड में आपको क्या दिया हुआ है, थर्ड में आपको What are the advantage of using gas for cooking? मतलब बच्चों कि जो हम गैस जो सिलेंडर वाली गैस है वो इस्तेमाल करते हैं खाना बनाने के लिए तो उसके फ़ायदे क्या हैं। तो आंसर में क्या देखो, कुकिंग गैस इज ईजी टू यूज़, मतलब बच्चों जो जो सिलेंडर वाली गैस है जिससे हम खाना पकाते हैं वो बहुत ही आसान है इस्तेमाल करने में। इट लाइट्स क्विकली एंड डज नॉट गिव आउट स्मोक, क्या होता है वो जल्दी से जल जाती है और उससे धुआं नहीं निकलता है। इट कुक्स फूड इन लेस टाइम एंड हैंड सेव्स टाइम, और वो क्या करते हैं उससे खाना जल्दी से तैयार हो जाता है इसलिए हमारा समय भी बचता है। दीज आर दी एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग कुकिंग गैस, तो बच्चों क्या बोला है कि ये सब फायदे हैं कुकिंग गैस को इस्तेमाल करने का, सिलेंडर का इस्तेमाल करने का, ठीक है। आगे देखो आपको डी में क्या है, फाइंड आउट, मतलब बच्चों पता लगाओ क्या है, हाउ इज खोया मेड फ्रॉम मिल्क, राइट आउट द इंफॉर्मेशन एंड प्रेजेंट इट इन टू द क्लास। देखो खोया जो है वो दूध से कैसे बनता है वो आपको बताना है और आपको ये इन्फॉर्मेशन जो है ये आपको जो जानकारी है वो क्लास में आपको देना है, ठीक है। तो आंसर में क्या है देखो, व्हेन खोया इज़ मेड फ्रॉम मिल्क, मतलब बच्चों जब खोया दूध से बनता है तब क्या होता है देखो, इट इज़ लेफ्ट फॉर बॉइलिंग फॉर क्वाइट लॉन्ग टाइम इन एन ओपन एंड फ्लैट पैन। तो इसको क्या किया जाता है बच्चों, देखो तो दूध को क्या किया जाता है, एक चिपटे जो बर्तन रहता है चिपटा हुआ बर्तन उसमें दूध को बहुत देर तक उबलने के लिए छोड़ दिया जाता है। इट इज़ स्टीर्ड कंटिन्यूसली सो दैट इट शुड नॉट बी बर्नड एट द बॉटम ऑफ द पैन, और क्या करते हैं उसको चलाते रहते हैं लगातार ताकि वो जो बर्तन है उसके नीचे जो पैन है जिसको हम पेनी में बोलते हैं वहाँ पे जाके वहाँ पे जले नहीं दूध, ठीक है। इसके लिए हम उसको लगातार चलाते रहते हैं। व्हेन ऑल द वाटर फ्रॉम द मिल्क इज इवोपोरेटेड द सॉलिड पार्ट ऑफ द मिल्क रिमेन्स इन द पैन, क्या बोले बच्चों, जब पूरा पानी जो है दूध में से
भाप बनकर निकल जाता है, उड़ जाता है। तो जो सॉलिड पार्ट मतलब बच्चों जो जो लास्ट में जो गाढ़ा सा बचता है वो पैन में बर्तन में रह जाता है, दिस इज़ कॉल्ड खोया, और उसको हम बोलते हैं खोया। ठीक है, ऐसे खोया बनता है। ओके बच्चों, तो बच्चों यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अभी अगले वीडियो में आपको नेक्स्ट चैप्टर दूंगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ताकि आपको अगला वीडियो मिले। एंड आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लो और लर्न कर लो, ताकि अगर आपका टेस्ट हो तो आपके फुल मार्क्स आए। ठीक है, अभी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।